सहनावतु सहनौ भुनक्तु सहवीर्यङ् कर्वावहै तेजस्विनावधितमस्तु मा विद्विषावहै ॐ शान्तिः 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 वैदिक जीवन पद्धति की इस कक्षा में आप सभी का हार्दिक स्वागत है अभिनंदन है वेदो अखिलो धर्म मूलम वेद सब सत्य विद्याओं का पुस्तक वेद का पढ़ना पढ़ाना सुनना सुनाना तथा अपने आचरण मिलाना हम सभी श्रेष्ठ जनों का आर्यों का परम कर्तव्य है निरंतरता और सात्विकता पवित्रता के साथ हम वेदों का स्वाध्याय कर रहे हैं ऋग्वेद के सातवें मंडल का स्वाध्याय कर रहे हैं और नए नए ज्ञान से नए नए उपदेश से हम अपने आप को अभसिक्त कर रहे हैं यह जीवन और यह जगत सुंदरता से दिव्यता से भव्यता से भर जाए इसके लिए हमको अपने जीवन को यज्ञमय बनाना है यज्ञशील होकर के कर्मशील होकर के अपने और इस संसार के कल्याण के लिए सदा सर्वदा सर्वत्र उत्तमोत्तम रीति से प्रीति से युक्त होकर के कर्मों का अनुष्ठान करें तो अत्यंत हमारा जीवन महनी हो जाएगा इन्हीं शुभ भावों के साथ हम निरंतरता से वेदों का स्वाध्याय कर रहे हैं और आज हम सातवें मंडल के प्रथम सूक्त के तेरहवें मंत्र का स्वाध्याय करेंगे बहुत ही सुंदर वेद मंत्र है यह प्रथम सूक्त तेईसवा मंत्र इसको हम पढ़ने का प्रयास करेंगे ओम स मर्तो अग्ने स्वनीक रेवान बढ़ते या आज होती

वसुवनिम दधाति यम सूरी पृछमाना एति ऋग्वेद के सातवें मंडल के प्रथम सूक्त का यह तेईसवा मंत्र है ओ सा मर्अ् स्वनीका मर्ते या आजु होती हव्यम सा देवता वसुवनी दधाती यम सूरीरर्थी पृछमान एति ओम समस्वनी केवान्मर्ते हव्यम सा देवता वसुम वसुनी दधाती यम सुसूरीरथी पृछमान ऐश्वर्य शालिता दो बातें केंद्र में रख करके इस वेद मंत्र का उपदेश हमको दिया जा रहा है और बहुत सुंदर भाव इस वेद मंत्र का है हे स्वनिक उत्तम तेज वाले अग्नि या जाग्ने स वह मनुष्य रेवान ऐश्वर्यशाली होता है यह जो अमरती कभी नष्ट न होने वाले प्रतिदिन प्रज्वलित होने वाले में हव्यम आज होती, हव्य पदार्थों की आहूति देता है यज्ञशीलता ऐश्वर्यशालिता का कारण बनती है जब हमारे जीवन में यज्ञशीलता होगी यज्ञ हमारा जीवन होगा कल्याणकारी जीवन होगा तो निसंदेह हमारे जीवन में ऐश्वर्य से हम युक्त होंगे हर प्रकार का बौद्धिक ऐश्वर्य हो आर्थिक ऐश्वर्य हो यश का ऐश्वर्य हो हर प्रकार के ऐश्वर्य से हम युक्त हो जाते हैं ऐश्वर्यशालिता हमारी बढ़ती है यज्ञ मय जीवन होने से यज्ञ जीवन होने से कल्याणकारी जीवन होने से इसलिए सह वह देवता वेद मंत्र में आया स देवता वसुवनिम वह देवता सब कुछ देने वाला अग्नि देवता उसी कहते हैं जो देने का स्वभाव रखता है सदा देता रहता है इसलिए अग्नि वसुव, वसुवनिम दधाती धन का संविभाग करने वाले यजशील पुरुष को धारण करता है वह अग्नि उसका धारण करता है यम जिसको कि सूर्य जानी अर्थी चाहने वाला पुरुष पृछमान जानने की कामना वाला होता हुआ पूछता है एति और प्राप्त होता है जानी जिज्ञासु या जागनी और यह संपूर्ण जो वैभव है इस वैभव को प्राप्त करने के लिए हमको सदा सर्वदा यज्ञ जीवन जीना चाहिए यज्ञमय कल्याणमय जीवन जीना चाहिए और जो सूरी वास्तव में जो जान से सूरवीर तो एक है जो धीरवीर गंभीर है सूर्य उसको जानी को कहते हैं अर्थी जो चाहने वाला पुरुष है जानने की कामना वाला है और पूछता हुआ प्राप्त होता है जानी जिज्ञासु या जागनी के विषय में जान प्राप्त करने की कामना वाला होता है यह जागनी ही तो सब ऐश्वर्यों की वृद्धि करती है या जागनी, यह जागनी ये हमारे अंदर एक तो जानागनी या जागनी कल्याणकारी जो हमारी प्रवृत्ति है कल्याणकारी हमारी जो चित्तवृत्ति है उस वृत्ति से हम बंधे रहें हम कभी भी आलस्य प्रमाद और कृपणता से युक्त वाले वृत्ति वाले ना बने ऐसे हम ना बने जिससे हमारा जो जीवन है अंधकार में चला जाए ऐसा जीवन बार बार मिलने वाला नहीं है इसलिए हम सूर्य चंद्र को देखें इस सारी समष्टि को देखें सब कुछ इस संसार को देने का स्वभाव रखे हुए हैं और सब कुछ देते हैं हम देने के स्वभाव वाले बने हमारे जीवन में यज्ञ का महत्व अत्यंत महनीता के साथ हम स्वीकार करने वाले बने जानी जिज्ञासु यज्ञाग्नि के विषय में ज्ञान प्राप्त करने की कामना वाला होता है यह यज्ञाग्नि ही तो सब ऐश्वर्यों का कारण बनती है जो नित्य प्रति यज्ञ करता है वह ऐश्वर्यशाली बनता है यह यज्ञाग्नि दानशील पुरुष का धारण करती है समझदार जिज्ञासु यज्जाग्नि के विषय में अधिकाधिक ज्ञान प्राप्त करता है यज्ञाग्नि जो सदा हमको सुगंधित सुरभित विलसित विकसित करने का संदेश देती है हमको उत्साह देती है हमको प्रेरणा देती है कि हम ऐसे जीवन को जिए जिसमें उल्लास हो जिसमें उमंग हो जिसमें प्रकाश हो जिसमें अंधकार ना हो अभाव ना हो अधर्म ना हो अन्याय ना हो अविद्या अज्ञान ना हो हम ज्ञान से युक्त हों विज्ञान से युक्त हों विद्या से युक्त हों धर्म से युक्त हों हम अपने स्वकर्म का अपने स्वधर्म का पालन करने वाले बने इसी से हमारा और इस संसार का कल्याण है इसी में हमारा उत्थान है इसी में हम सबका कल्याण है हम जीवन को सफल बनाएं उसके लिए हम नित्य प्रति संध्या हवन करें गायत्री का जप करें ओंकार का जप करें बहुत सुंदर बात कही है जीवन सफल बना लो भाई जीवन सफल बना लो जीवन सफल बना लो भाई जीवन सफल बना लो गायत्री का जप करो सब वेद मंत्रों का पाठ करो सब गीत प्रभु के रे भाई जीवन सफल बना लो गीत प्रभु के रे भाई जीवन सफल बना लो ब्रह्म यज्ञ में ध्यान लगाना देव यज्ञ नित करते जाना ब्रह्म यज्ञ में ध्यान लगाना देव यज्ञ नित करते जाना घर घर हवन रचा लो भाई घर घर हवन रचा लो भाई जीवन सफल बना लो रे जीवन सफल बना लो रे भाई जीवन सफल बना लो अभ्यागत कोई द्वार पे आए खाली वह घर से ना जाए अभ्यागत कोई घर पे आए खाली हाथ वह घर से न जाए अतिथि का सम्मान बढ़ा लो भाई जीवन सफल बना लो जीवन सफल बना रो रे भाई जीवन सफल बना लो स्वाध्याय को कभी न छोड़ो वेद पाठ से मुख ना मोड़ो स्वाध्याय को कभी न छोड़ो वेद पाठ से मुख ना मोड़ो अपना आप संभालो अपना आप संभालो रे भाई जीवन सफल बना लो जीवन सफल बना रे भाई जीवन सफल बना लो सदा बड़ों का आदर करना धर्म देश की खातिर मरना सदा बड़ों का आदर करना धर्म देश की खातिर मरना लाल संग गालो सभी संग में गालो तुम जीवन सफल बना लो जीवन सफल बना लो रे भाई जीवन सफल बना लो तो जीवन की सफलता का यही हमारा मूल मंत्र है कि हमारा यज्ञमय जीवन हो यज्जम यज्जोमय श्रेष्ठतम कर्म संपूर्ण संसार यह जो एंट्स लेकर के एलिफेंट तक चाहे कीड़ी हो कुंजर हो हाथी हो घोड़ा हो कीड़ा हो मकोड़ा हो सब यज्ञमय जीवन जीते अर्थात सबका जीवन कल्याणकारी है इस सृष्टि के लिए बड़ा उपकारी है इसलिए हमारा भी जीवन उपकार से युक्त तो हो इस संसार का उपकार करना ये हम सबका उत्तरदायित्व तो है सबका ये स्वधर्म है इसलिए यज्ञमय जीवन हो और बहुत सुंदर बात कही है करो यज्ञ और दान यदि सुख पाना है यज्ञ कर्म अति श्रेष्ठ है प्यारे श्रद्धा से जीवन में धारे करें सदा कल्याण यदि सुख पाना है करो यज्ञ और दान यदि सुख पाना है वेद शास्त्र सब यही बताते ऋशमुनि भी यही सुनाते वेद शास्त्र सब यही बताते ऋषि मुनि भी यही सुनाते यज्ञ है सुख की खान यदि सुख पाना है तो करो यज्ञ तुम नित्य यदि सुख पाना है पर उपकार जीवन में धारे दिन दुखियों के कष्ट निवारे पर उपकार जीवन में धारे और दूसरों के कष्ट निवारे बने सच्चे इंसान यदि सुख पाना है करो यज और दान यदि सुख पाना है जोड़े प्रभु से अपना नाता वही है सच्चा पिता और माता जोड़े प्रभु से अपना नाता वही है सच्चा पिता और माता उसे ही रक्षक मान करो यज और तुम दान यदि सुख पाना है करो यज और दान उसे ही रक्षक मान करो नित्य तुम दान वेद धर्म को धारण कर ले सत्य कर्म से जीवन भर ले वेद धर्म को धारण कर ले सत्य कर्म से जीवन भर ले सुन ले लगा के कान करो यज्ञ और तुम दान करो यज्ञ और तुम दान यदि सुख पाना है मानव तुम करो यज्ञ और दान तो यज्ञ की महिमा अपरंपार है हमारा जीवन यज्ञमय हो हमारी सुगंधी चारों ओर फैलने वाले हो सदकर्मों से सदधर्मों से मन से वाणी से व्यवहार से हम इतने यज्ञशील बन जाएं इतने अपने जीवन को उन्नत बना लें कि कभी भी हमारा अपकर्ष न हो ये सारा संसार समष्टि सब यज्ञ में है सब हमारे लिए दे रही है चाहे पशु हो पक्षी हो चाहे वनस्पतियाँ हों चाहे फूल पत्तियाँ हों सब यज्ञमय हैं यज्ञोवय श्रेष्ठतम कर्म देव पूजा संगतिकरण दान इसलिए जिसके जीवन में यह यज्ञ कर्म है दान है उसी का जीवन महान है और वह इस जहान को भी महान बनाने का महान कार्य कर सकता है हम आ, माता के रूप में तो माँ भी यज्ञ जीवन जीती है वो संतानों को सतत पालती पोसती रहती है पूरे घर को संभालती है संवारती है उसका जीवन यज्जी है पिता यदि पूरे दिन भर वो कमा करके लाता है दिन भर सब कुछ दूसरों की सेवा के लिए घर परिवार की सेवा के लिए लगाता है वह भी यज्जी जीवन जीता है गुरु सदा अपने लिए कुछ नहीं चाहता अपने शिष्यों के लिए चाहता है तो यह जीवन में हम किसी भी रूप में भाई के रूप में बहन के रूप में बेटे के रूप में बेटी के रूप में पति के रूप में पत्नी के रूप में अपने जीवन को इतना यज्ञ बना लें कि अपने लिए कुछ नहीं चाहना और हमको सब कुछ जो कुछ भी सामर्थ्य परमात्मा ने दिया है उस सामर्थ्य से मैं सबको तृप्त कर दूं जो कुछ मेरे पास है मेरी संगति में मेरी सन्निधि में मेरे अंग संग जो लोग भी आते हैं मेरे संपर्क में जो लोग आते हैं उनका भाव उनका स्वभाव भी मेरे स्वभाव से इतना प्रभावित हो कि मैं दूसरों का सदा कल्याण करने में अपने स्वधर्म का अपने स्वकर्म का पालन कर पाऊँ तो यह अत्यंत सुंदर जीवन होगा और इस प्रकार से इसे चौबीसवें मंत्र में भी सुंदर बात कही कि अक्षीण आयु व उत्तम संतान जब ऐसे यज्ञ जीवन होगा तो कह रहे हैं हे अगड़े प्रभो आगे ले जाने वाले प्रभो न हमारे महान सुविध को कल्याण कर्म को जानते हुए आप हम समझदार पुरुषों के लिए वृद्धि के कारणभूत ऐश्वर्य को प्राप्त कराइए इस ऐश्वर्य के द्वारा हम सदा शुभ कर्मों को करने में समर्थ बने रहें हे बलवान प्रभो सर्वशक्तिमान प्रभो हमारे लिए सब उत्तम गुणों को धारण कराइए विश्वानिदेव सवितर दुरितानि परासु यद भद्रम तन आसु की जो भावना है उससे हम ओत प्रोत हों एक क्षण का भी हमारे अंदर निराश न आए हम एक क्षण के लिए भी निराशा में न जाएं और कहा है कि हमको ऐसा धन दीजिए जिससे हम इस जहान को सुंदर बनाएं और आयुषा आयु से अक्षीण होते हुए लंबी आयु वाले हों और उत्तम वीर संतानों को उत्पन्न करने वाले हों मदेमा आनंद का अनुभव हम करें और दूसरों को आनंद देने वाले हों शुभ कर्म करते हुए हम प्रभु के अनुग्रह से उस धन को प्राप्त करें जो ठीक उपयुक्त हुआ, हुआ हुआ हमारे दीर्घ जीवन का कारण बने क्योंकि ऐसा धन जिससे हमारा पतन हो ऐसा धन जिससे समाज का पतन हो ऐसा धन किसी काम का नहीं है ऐसा धन जो हमारे उत्थान के लिए हो उत्कर्ष के लिए हो हमारे संपूर्ण ऐश्वर्य के लिए हो वही धन श्रेष्ठ है नहीं तो धन धरा के बीच ही सारा धरा रह जाएगा पशु भी बंधे रह जाएंगे जब कुछ का वक्त आएगा पत्नी भी तेरा साथ देगी गृहद्वार तक मित्रगण मरघट के आगे मुंह नहीं दिखलाएंगे देह भी तेरी चिता में यूं ही जल भुन जाएगी बाद में सच्चा सखा तेरा केवल धर्म ही रह जाएगा तेरा स्वधर्म तेरा स्वकर्म ही तेरा अंतिम धर्म है अंतिम वह आभूषण है नहीं तो व्यक्ति तो निधन को प्राप्त होता है कुछ भी यहाँ से ले नहीं जा सकता तो झूठे अहंकार में झूठे व्यवहार में हमको कभी भी फंसना नहीं है जान की वाणियों का उपदेश दिया है इसलिए यहाँ से हम जीवन को जीने का जो स्वाभाविक उपाय है उसको हम सीखें और जान की वाणियों को उपदेश दिया है पच्चीसवें मंत्र में भी बहुत सुंदर बात कही है कि मैं अक्षीण आयु वाला बनूँ उत्तम वीर संतानों वाला बनूँ ऐसा मुझको बनाइए प्रभु और वह धन यही है कि प्रभु मेरे लिए उत्तम जान की वाणियों का उपदेश करें वे देव प्रभु हमें यज्ञशील पुरुषों की सनिधि दें उत्तम प्रेरणा प्राप्त कराएं और उत्तम प्रेरणा प्राप्त करके उत्तम उत्तमता से युक्त, युक्त व्यवहार से हम दान के लिए तैयार हों क्योंकि दान से व्यक्ति और जीवन को आनंदित बना देता है दान को प्राप्त हों अभ्युदय और निश्रेयस दोनों को सिद्ध करें इस संसार की भी उन्नति इस संसार में भी उन्नत जीवन और सब देशों आ, सब अपने देशकाल परिस्थितियों में हम कभी भी पतित ना हों हमेशा उत्थान की ओर आगे बढ़ें और इस प्रकार से सब देवों के साथ प्रभु द्वारा शुभ मार्ग में प्रेरित होकर के रक्षित हों सब प्रकार से देखने पर हमारा जीवन बहुत ही सफल सुंदर सक्सेसफुल होना चाहिए इस प्रकार से जीवन को हम जिए तो बहुत ही सुंदर होगा अपना जीवन हमारा ऐसे ही श्रेष्ठतम बने यही वेदों का आदेश उपदेश संदेश है इसके विपरीत आचरण हम ना करें अपने प्रत्येक कर्म का प्रत्येक हमारे कार्य का संपादन जब हम करें तो उसमें यह जरूर विचार करें कि इससे कितनी हानि है इससे कितना लाभ है इससे व्यक्तिगत सामाजिक जो उन्नति है कितनी प्राप्त होगी अगर उससे उन्नति प्राप्त हो रही है उससे आत्म कल्याण से विश्व कल्याण की पावनी भावना यदि सार्थक हो रही है तो उसको जरूर करें उससे कभी भी हम विचलित ना हों क्योंकि जब संसार के सभी प्राणी ये जी हैं और जो कुछ भी ये संदेश हमको मिलता है प्रकृति से जो नेचर से हमको सीखने को मिलता है परोपकार का सदाचार का सद्व्यवहार का तो हमारे जीवन में भी वह होना चाहिए बहुत सुंदर बात कही है परोपकाराय फलंती वृक्षा परोपकाराय वहन्ति नद्या परोपकाराय दुहन्ति गावा परोपकारार्थम इदम शरीरम यह शरीर हमारा परोपकार के लिए हो क्योंकि जितनी हम नदियाँ देखते हैं जितने हम वृक्ष देखते हैं नदी अपना पानी नहीं पीती वृक्ष अपना फल खाते नहीं गाय अपना दूध नहीं पीती सब किसके लिए है सब इस संसार के लिए है संसार के लोगों के लिए है तो हमारा भी जीवन ऐसे ही संसार के लोगों के लिए हो भगवान मेरा जीवन संसार के लिए हो उपकार के लिए हो सदाचार के लिए हो सदव्यवहार के लिए हो तो ऐसा संस्कार ऐसी संस्कृति हमारी रही है हम ऋषियों की संताने हैं हम महाजनो येन गता सपन था राम चरितम सत्यम तो ऐसे तेन त्यकतेर भुंजी था मागृथा कस्वी धनम तेन त्यक्तेन तेन भूंजी था माँ जो स्विधनम अर्थात किसी के भी धन की इच्छा न रख ना करके हम त्यागपूर्वक जीवन को जीने वाले बने यही तो यज्ञ है कि अपने लिए कुछ नहीं चाहना और अपने आप को भी यदि हमको सौंपना पड़े तो सौंप करके जीवन को सुंदर बनाएं जगत को सुंदर बनाएं इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आज की कक्षा को यहीं पर विराम देंगे शेष चर्चा अगली कक्षा में करेंगे ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः